हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आप लोगों के लिए लेके आ गए यहाँ पर काफ़ी बड़ी हायरिंग अपडेट फ्रॉम द इन्फोसिस। इन्फोसिस बिगेस्ट ऑफ कैंपस डायरेक्ट हायरिंग स्टार्टेड। इन्फोसिस फ्रेशर्स मास हायरिंग अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए, और इसमें जो है ग्रेजुएट बिटवीन 2018 टू 2023 बैच के लोग सभी जो है इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और वंस यू अप्लाई, आपका यहाँ पर कोई असेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सो डायरेक्टली यू आर गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यू। ओके, अप्लाइड वेरिफिकेशन शेड्यूल इंटरव्यू एंड देन अटेंड इंटरव्यू। ओके, योर इंटरव्यू इज कंफर्म्ड, यू शुड रिसीव एन इनवाइट शॉर्टली। सो प्लीज़ आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोग इसको बिल्कुल मिस मत करना। मैं आपको दो डेट बताने वाला हूं जहां पर आप लोग इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हो। 8 फेब को, एक आपका 14 फेब को देखने को मिल रहा है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लोगों को जो है लिंक दे दूंगा, आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट कर सकते हो। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लिए इन्फोसिस की तरफ से रिक्रूटमेंट जो है वो है वर्किंग फॉर फ्रेशर्स डाटा स्किल्स एट पुणे ऑन 13 फेब। 13 फेब को ये आपका ड्राइव होने वाला है 10 AM से 1 PM। लोकेशन आपका दिया गया, कुछ घंटे पहले इसे जॉब को पब्लिश किया गया है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका लिंक दिया गया है, इंटरव्यू डिटेल दिया गया है 10 AM से 1 PM। इंटरव्यू डेट बताया गया है 13 फेब को होने वाला। इंटरव्यू वेन्यू के बारे में बता दिया गया है कि आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल एंटरिंग टू द कैंपस, प्लीज वियर मास्क, फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स। डॉक्यूमेंट भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे। कैरी 2 कॉपीज ऑफ प्रिंट आउट ऑफ योर अपडेटेड रेज्यूमे, कैरी 2 फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट। और ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन 10, 12 ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, CMA, प्रोविजनल एंड ओरिजिनल डिग्री, बिकॉज यहाँ पर आपका इमीडिएट ज्वाइनर्स आर रिक्वायर्ड है। कुछ यहाँ बताया गया, प्लीज फाइंड जॉब बिलो जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर योर रेफरेंस। और यहाँ पर फ्रेंड, क्वालिफिकेशन का बात करें, फुल टाइम ग्रेजुएट, BCom, BSc, MBA ग्रेजुएटिंग। ओके सॉरी, इसमें 2024 वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हो फ्रेंड, 2019 से 2024 बैच वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर फ्रॉम BCom, BSc एंड MBA वाले। ठीक है, और यहाँ पर कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बता दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। स्किल्स रिक्वायर्ड यहाँ पर बताया गया है, गुड एथिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक नॉलेज इन MS Office। पॉइंट्स टू हैव पे मेंशन किया गया, प्लीज डू नॉट कैरी लैपटॉप एंड कैमरास टू द वेन्यू एज दिस इज नॉट अलाउड ड्यू टू सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन। ओरिजिनल गवर्नमेंट ID कार्ड इज मस्ट फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस। और यहाँ पर आपका BSc, BCom, MBA, PGDM वाले अप्लाई कर सकते हैं फॉर 2019 टू 2024 बैच के लिए। ठीक है, सेकेंड वाला जो है इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोग 2018 2024 बैच के हो, फुल टाइम एजुकेशन ओनली। और यहाँ पर आपका UG के एंड एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ये आपका ब्रांच, आपका ऑपरेशनल ब्रांच मैनेजर का है रोल। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका डेटा बैंकिंग का स्किल्स रिक्वायरमेंट 24/7 का होने वाला है। ये आपका डेट है आपका 8 फेब 10 AM से 1 PM। और ये आपका लिंक दिया गया है, बाकी आप लोग यहाँ पर सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको दोनों का ही लिंक दे दूंगा, दोनों में ही आप लोग जो है इसलिए जाके अप्लाई करके आप लोग इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल मिस मत करना। और जो भी आपका रिज्यूमे है उसमें इनका जो स्किल्स है आप लोग पर जरूर अपडेट कर देना, तभी आप लोग का वहाँ पर जो है इंटरव्यू वगैरह क्रैक करने में आपका आसानी होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो फ्रेंड, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ अपने अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, और कुछ डाउट्स है कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।